आज की वीडियो में अपन 7 से 8 ट्रिक की बात करने वाले हैं। और अभी तक आपने INDMOL चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और चलो फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी समझ लो हम लोग किसी घर में, ठीक है, और हमारा टीममेट नॉक हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, फटाक से मॉली लेते हैं, सीढ़ियों पे फेंक देते हैं और फिर अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं। ठीक है, अभी तक अपन इतना ही करते थे तो भाई आज की वीडियो में अपन थोड़ा स्टाइल में मॉली फेंकेंगे, मतलब प्रो तरीके से मॉली फेंकेंगे, मतलब मॉली को फेंकने का सही तरीका क्या है। तो चलो बढ़ते हैं पहली ट्रिक की ओर। अब समझ लो आप लोग किसी ऐसे वाले घर में हो, ठीक है, तो आप लोग अगर ऊपर हो और यहाँ पे आप कैंप कर रहे हो या फिर एनमी आप पर पुश करने वाले, तो आप क्या करते हो, तुरंत से एक मॉली लेते हो और डायरेक्ट फेंक देते हो। और फिर आप अगर देखोगे तो भाई ये मॉली बस इन दो सीढ़ियों पे हुई है, आप लोग देख सकते हो, मतलब पूरे घर में नहीं फैली है, बस सीढ़ी तक ही खत्म है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एकदम सही तरीका बताता हूँ कि कैसे पूरे घर में ये मॉली फैलेगी। अब बात कर लेते हैं अपन सही तरीके से कैसे फेंकना है मॉली को, तो बस आपको कुक करना है और इस दीवार पे फेंक के मारना है। जैसे ही आप लोग ऐसा करोगे फिर आप लोग को नीचे जाना है, आप लोग देख सकते हो भाई नीचे वाले रूम में पूरी तरह से मॉली फैल चुकी है। वो मेरे भाई अगर आप लोग इस वाले घर में कभी फंस जाते हो और आप ऊपर कैंप कर रहे हो, आपके पास एक मॉली है, तो भाई ये होता है मॉली को सही तरीके से फेंकने का। ठीक है, चलो बढ़ते अपने सेकंड ट्रिक की ओर। ऐसे वाले घर शॉप आप लोग को बहुत जगह देखने मिल जाएंगे। अगर आप लोग इसके टॉप फ्लोर पे हो और फिर आपके ऊपर रश हो जाते हो तो आप लोग क्या करते हो भाई, पिक देते हो और मॉली डायरेक्ट फेंक देते हो। तो भाई ये होता है गलत तरीका मॉली फेंकने का, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बस दो सीढ़ियों पे मॉली आके खत्म हो गई है, मतलब आप लोग ने एक नूब तरीके से फेंक दिया। मैं आप लोग को बताता हूँ कि प्रो तरीका क्या होता है मॉली फेंकने का इस वाले घर में। ठीक है, अब जान लो कि इस घर में मॉली को फेंकने का सही तरीका क्या है। बस आपको पिक लेना है और इसे सीढ़ी के एकदम बीचों बीच में मॉली फेंक के मारना है, दीवार पे नहीं मारना है, सीढ़ी के एकदम बीच में आपको मॉली फेंक देना है। और फिर आप लोग जैसे ही ऐसा करोगे तो आप लोग देख सकते हो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, भाई पूरी नीचे तक भाई मॉली आके फैल चुकी है। तो भाई ये होता है प्रो तरीका मॉली फेंकने का इस वाले घर में। आई होप आप लोग को ये वाली ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अभी इस समय हम लोग है स्कूल अपार्टमेंट में और समझ लो राइट वाले रूम में कोई बंदा कैंप कर रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, पीक दोगे और ऐसे फेंकोगे मॉली, तो भाई आप लोग नॉक हो जाओगे क्योंकि आप लोग कवर में नहीं हो। तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ मॉली आपको कैसे फेंकना है। अब समझ लो सामने वाले रूम में कोई कैंप कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा कवर में आ जाना है और मॉली लेना है और इस वाली दीवार पे फेंक देना है। जैसे आप ऐसा करोगे दोनों रूम में मॉली पहुंच जाएगी, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लो भाई कवर में पूरा मॉली पहुंच गया। अगर यहाँ पे कोई कैंप कर रहा है तो भाई वो काम से जाएगा। तो मेरे भाई ये होता है एक तीर से दो निशाना। जब भी अपार्टमेंट के डोर पे कोई कैंप कर रहा है तो आप लोग मॉली कुछ प्रो तरीके से फेंकना ताकि मॉली दोनों डोर तक पहुंच जाए। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब यहाँ पर अपन एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर आप दो कैरेक्टर देख सकते हो, दोनों कैरेक्टर यहाँ पे मॉली फेंक दिए हैं और दोनों के दोनों मॉली में से भाग रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप मॉली में से बाहर निकल के लोट पोट करोगे तो भाई आपके शरीर में से आग जल्दी बुझेगी, लेकिन यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा देखने नहीं मिला है। और देख सकते हो जो लोट पोट कर रहा था उसका हेल्थ ज्यादा डाउन हुआ है और इसका कम हुआ है, तो शायद ये लेट निकला होगा या फिर क्या पता क्या सीन है, लेकिन जो भी है यहाँ पे आपके सामने है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। आपको अगर किसी भी घर में बल्ब देखने मिलता है, मतलब ये वाला बल्ब, तो आप लोग को क्या करना है, लो टॉस पे एक मॉली ले लेना है और उसको एकदम सही तरीके से फेंकना है जैसे मैं फेंक रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो भाई ऊपर वाले फ्लोर पे मॉली पहुंच जाएगा। मैं चलो आप लोग को ऊपर चल के दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाले फ्लोर पे मॉली फैल चुकी है और यहाँ पे गैस कैन फटा, इसलिए मैं नॉक हो गया हूँ। और भाई आप लोग किसी भी घर में जाते हो और आप लोग को बल्ब देखने मिलता है, अगर आप लोग बल्ब के ऊपर सही तरीके से मॉली फेंकते हो तो भाई ऊपर वाले फ्लोर पे मॉली आ जाएगी। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब समझो सामने वाली ब्रोकन वॉल पे एक बंदा कैंप कर रहा है, तो आप लोग पिक दोगे और एक नॉर्मल तरीके से मॉली फेंक दोगे, तो भाई क्या होगा, कवर में मॉली पहुंचेगी नहीं, आपको दिखा देता हूँ, देख लो भाई कवर में मॉली पहुंची नहीं है। तो भाई आपको सही तरीका बताता हूँ मॉली फेंकने का यहाँ पर। अब मेरे भाई सही तरीका जान लो, बस आपको पिक लेना है और यहाँ पे ये जो बाउंड्री दिख रही है बिल्कुल उसके टॉप पे आपको ये मॉली फेंक के मार देनी है। जैसे आप ऐसा करोगे भाई एकदम कवर में और भाई मॉली दोनों साइड हो जाएगी, आप लोग को चल के दिखा देता हूँ, देख लो भाई। तो मेरे भाई ये होता है एक स्टाइल में मॉली फेंकने का, मतलब की कवर में भी हो गई, दोनों साइड हो गई, मतलब बंदा नॉक होना ही है। खैर अब बढ़ते हैं अपने 7वीं ट्रिक की ओर। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है कि ये वाली ट्रिक बस इसी वाले घर में काम करेगी, ये ट्रिक हर एक घर में काम करेगी जिस घर में आप लोग को ऐसी वाली ट्यूबलाइट देखने मिलेगी। अब समझ लो ऊपर वाले फ्लोर पे कोई कैंप कर रहा है, तो आपको एक मॉली हाथ में ले लेना है, उसे लो टॉस कर देना है और इस ट्यूबलाइट के ऊपर फेंक देना है। जैसे आप ऐसा करोगे भाई ऊपर वाले फ्लोर पे मॉली चली जाएगी, मैं आप लोग को चल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई ऊपर वाले फ्लोर पे पूरा का पूरा मॉली आ चुका है। और हाँ, आप लोग को ये जो नीचे वाले फ्लोर पे लाइट दिखी थी, ट्यूबलाइट दिखी थी, आप उसके ऊपर एक स्मोक भी फेंक सकते हो, देख लो, बस आपको स्मोक को लो टॉस पे कुक करना है और इसके ऊपर कुछ ऐसे फेंकना है कि अटक जाए, देख लो यहाँ पे स्मोक अटक गया है। चलो ऊपर और फ्लोर पे आपको दिखा देता हूँ कि स्मोक हुआ है या फिर नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई पूरा प्रॉपर तरीके से स्मोक हो चुका है। यहाँ पे अगर कोई कैंप कर रहा है, आपको रश करना है, तो आप लोग कुछ इस प्रकार से स्मोक फेंक सकते हो, मॉली वॉली फेंक सकते हो। खैर यहाँ पे आप बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
यहाँ पर अपन एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और हाथ में मॉली ले लेते हैं और सबसे पहले इसको फेंक देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मॉली अपन ने फेंक दिया है। दोनों कैरेक्टर मॉली के अंदर से गुजर चुके हैं और एक कैरेक्टर अपना फर्स्ट एड मार रहा है तुरंत से निकल के मॉली से बाहर, और एक कैरेक्टर बस ऐसे ही नॉर्मल खड़ा है। तो आप लोग देख सकते हो भाई, दोनों की हेल्थ सेम है, किसी की कम ज्यादा नहीं है। मतलब कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप मॉली से बाहर निकल के तुरंत से फर्स्ट एड मारोगे तो आपकी हेल्थ कम जाएगी, मतलब आपके शरीर में आग तुरंत से बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने मिला है यहाँ पर। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि हम लोग ने आज 6 से 8 ट्रिक देखी मॉली के ऊपर, वैसे आने वाले समय में आपको आई एंड मोल चैनल के ऊपर स्मोक और ग्रेनेड के ऊपर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखने मिल जाएगी। और आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और भाई मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।